अगला क्वेश्चन, SOCl2H3, ये भी अभी ये बताया था आपको, HNO दे दिया मतलब रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाएगी, यहाँ पे रेडिकल के थ्रू क्या फॉर्म करेगा, क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन देखो बच्चों, रेडिकल ऊपर भी फॉर्म कर सकता है नीचे भी, जहां सबसे स्टेबल होगा वहां पे होगा, तो नीचे टर्शियरी रेडिकल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो मेरा ए बनेगा डेट विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आप ऊपर भी बना सकते थे बट ऊपर का रेडिकल बनेगा प्राइमरी रेडिकल विद स्टेबलाइज्ड विद रेजोनेंस। उसके बाद आपके पास NBS आ गया, याद है अभी बताया था है ना, दिस विल बी अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट, सो वी विल ऐड अ BR ओवर हियर, सो दिस विल बी CH2Br बेंजीन एंड हियर इज क्लोरीन एंड द नेक्स्ट स्टेप इज KSH जो SH- व्हिच इज इक्वलेंट टू OH- जैसा ही है ना। तो यहां पर एक ये न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल बच्चों ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन में जाएगा है ना, तो लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा। और दूसरा आप बेटर लिविंग ग्रुप भी देख लीजिए, तो आपको पता है कि BR मेरा एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू CL, तो BR पे रिएक्शन पहले होगी, आप BR पे रिएक्शन करवा दीजिए और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो अगर हम अपने ऑप्शन से सेलेक्ट करें तो ऑप्शन B मेरा क्या होगा बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट।